दादा किसी नायक का फोन आया था, मीटिंग करने को बोल रहा है। अगर मीटिंग नहीं करी तो माल निकलने नहीं देगा। नायक दादा, ये नायक कौन है? है एक पुराना दुश्मन। तो क्या करना है इसका? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो फिर निकालो गाड़ी, चलते हैं। जी दादा। क्या अपने आप को हीरो समझता है? समझता नहीं हूँ, मैं हीरो हूँ। मैं तो समझा तू लोग और हथियार लेकर आएगा, तू तो नियता ही चला आया। ये तो क्लाइमेक्स में पता लगेगा, अकेला मैं हूँ या तू। ये महंगी गाड़ी, ये सूट वूट पहनकर हीरो की तरह एंट्री कर तुझे क्या लगा हीरो बन गया? मैं हीरो बना नहीं हूँ, मैं हीरो ही पैदा हुआ था। ये सब छोड़, हाथ मिला ले मुझसे, साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। ओहो, काश ये अकेला काफी है। देख ले, चार पैसे तू भी ज्यादा कमाएगा, चार पैसे मैं भी ज्यादा कमाऊंगा। तेरा तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं हर काम पैसों के लिए नहीं करता, और लोगों में खौफ बनाने के लिए मेरा नाम ही काफी है। तो फिर ठीक है, तेरे माल के ट्रक मेरे इलाके से नहीं निकलेंगे। इलाका कुत्तों का होता है, साम्राज्य शेर का होता है। अबे ओ, बंद कर डायलॉग बाजी, मारो इस साले को। Ha 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 ha
अब हरामियों कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे आदमियों, मारो इसको। कौन कौन कहाँ से? ये सब बातें छोड़, काम की बात सुन। जिसके पास तू काम करता है ना, उसे 3 गुना ज्यादा मिलेगा। सोच ले, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज से मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तुझे मालूम है पैसे में कितनी ताकत है? ये सरकारें पलट देता है, भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है, दोस्त दोस्त की जान ले लेता है, यहाँ तक के महबूबा भी इसके लिए छोड़ के चली जाती है। ये सब तुझे शोएब बहुत महंगा पड़ने वाला है। सस्ते शौक मैं भी नहीं करता। अगर तूने मुझे यहाँ छोड़ दिया तो बहुत पछताएगा। दोस्त मैं बनाता नहीं और दुश्मन मैं छोड़ता नहीं।